Hey everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. So title से देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है. सो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी डिलीवरी कब हुई है. काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे. सो मेरा डिलीवरी कब हुआ है, किस डेट पे हुआ है और मुझे वजाइनल डिलीवरी हुई है या मुझे सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है, सबके आंसर्स मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ 3rd of November और आज के दिन मुझे 44 days कंप्लीट हुए हैं, मतलब मुझे बस अभी 2 months कंप्लीट होने वाले हैं डिलीवर करे हुए. थोड़ा सा बर्थ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जो ट्रीटमेंट ले रही थी वो अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही थी और काफ़ी ज़्यादा थ्रू आउट मैं प्रेगनेंसी में काफ़ी एक्टिव रही हूँ. ट्रैवलिंग भी करा है मैंने, मतलब सब कुछ किया है, एक जो नॉर्मल लाइफ रूटीन होता है वो किया है. डेफिनेटली 8th month में मैंने प्रॉपर ब्रेक ले लिया था. ब्रेक इसलिए हो गया था बिकॉज मेरे घर में कुछ रूल्स हैं कि भाई 8th month में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं. 9th month में अगेन मैं काफ़ी एक्टिव हो गई थी. सो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी 8 महीने तक मैंने कुछ भी चीज़ बाहर की नहीं खाई है. सिर्फ जो मैंने बाहर ट्रैवल किया था, जब मैं कश्मीर गई थी वहाँ मैंने बाहर खाया है और एक दिन मुंबई में विक्की और हम दोनों गए थे JW मैरियट बाहर खाने के लिए. उसके अलावा आई थिंक मैंने एक आध बार समोसा वगैरह खाया होगा तो खाया होगा भोपाल का. अदरवाइज जो एक प्रॉपर मील होता है बाहर का वो मैंने बहुत, मतलब आप ये समझ लो 99.9% अवॉइड किया है. और बाकी पूरे टाइम मैं घर का खाना खा रही थी, फ्रेश फूड खा रही थी, हैंडमेड फूड खा रही थी. प्रॉपर हेल्दी डिलीवरी होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रैदर देन सी सेक्शन हो रही है या वजाइनल डिलीवरी हो रही है. बट जिनको मैं कंसल्ट कर रही थी आयुर्वेदिक वाले, उन्होंने मुझे बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि वजाइनल डिलीवरी हो. ये एक जर्नल मैनिफेस्टेशन थी जो मैं हमेशा लिखती आई हूँ थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, उसकी मैं पिक्चर लगा दूंगी. सो जनवरी में मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने कंसीव कर लिया है, बट मेरा 2023 का ये प्लान था. हालांकि मेरा 2022 का ये प्लान था, क्योंकि 2022 का जब मैंने प्लानर बनाया था ना तो उसमें भी मैंने ये विजन में अपने डाल दिया था कि इस साल मुझे प्रेगनेंट होना है. बट चीज़ें थोड़ी अलग चेंज हो गई थी. बट 2023 में मेरा दिमाग में थॉट आ गया था कि दिस ईयर आई वांट बेबी. मैं लिखती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, पॉइंट्स लिखती हूँ जो कि मेरे 15-16 पॉइंट्स हैं. उसमें मैंने एक लाइन लिखना स्टार्ट कर दिया था दैट आई एम प्रेग्नेंट, मतलब मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ. सो वो चीज़ मैंने 1st January को लिखी थी, मैं उसकी पिक्चर डाल दूंगी. 2nd January, 3rd January, मैं हर महीने की हर डेट को नहीं मैनिफेस्ट करती हूँ. मैं पर्टिकुलरली 7 days का एक प्लान लेती हूँ हर मंथ के. वो कुछ स्पेसिफिक मेरे पर्सनल डेज हैं, वो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ. उन 7 days ही मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, बाकी मैं थ्रू आउट पूरा मंथ नहीं लिखती हूँ. लिखती हूँ मैं वैसे जब मेरा मन करता है, जर्नलिंग करती हूँ, बट पर्टिकुलरली जो मुझे जीवन में बहुत चाहिए होता है वो मैं उन पर्टिकुलर डेज में ही लिखती हूँ. सो अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग बिलीव करते होंगे, नहीं बिलीव करते होंगे, इसलिए मैं इन ब्रीफ नहीं बताना चाहती हूँ. बस मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी कि मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया था. तो इसी जर्नल में मैनिफेस्टेशन के एक पॉइंट पर मैं लिखती थी दैट आई वॉन्ट वजाइनल डिलीवरी. थैंकफुली जितना भी मेरे पूरे 8-9 months थे मुझे कोई टचवुड कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई कि एकदम अर्जेंटली डॉक्टर को बोलना पड़े कि नाउ वी हैव टू, अब हमको सी सेक्शन कराना पड़ेगा. तो मुझे ऐसा, इसका क्रेडिट ऑब्वियसली आयुर्वेदिक मेडिकेशन का तो मैं देती हूँ, साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि हम भी मैनिफेस्ट करते हैं बट हमारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं. इस वीडियो में मैं एक पॉइंट वो बताती हूँ, इतना लंबा नहीं रखूँगी इसको. तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए ना आपके अंदर का जो ऑरा है ना वो बहुत क्लीन होना ज़रूरी है. उसकी भी एक प्रोसेस होती है. नाउ अब आप सोचो कि यार ये ऑरा कैसे क्लीन, हमको कैसे पता चलेगा हमारा ऑरा कैसा है. और एग्जांपल, आप जैसे आपके साथ वाला कोई है एंड शी गॉट प्रमोशन एट अ वेरी गुड लेवल, शी बॉट अ हाउस और शी समथिंग, जो आप चाह रहे थे बहुत टाइम से वो उसको मिल गया है, तो आपके अंदर जो फर्स्ट फीलिंग आती है ना, जेलेसी की आएगी या आपको थोड़ा सा सैड फील होगा. भले ही आप सेकंड थॉट में अपने आप को नॉर्मल कर लोगे कि नहीं नहीं वो मेरी तो दोस्त है, मुझे ऐसे नहीं सोचना है, बट वो जो फर्स्ट फीलिंग आपके अंदर आएगी ना, उसको नेगेटिव फीलिंग बोलेंगे. से ये पता चलता है कि आपका जो ऑरा है ना वो नेगेटिव ऑरा है. तो नेगेटिव ऑरा के साथ यू कैन नॉट मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ. ये एक एग्जाम्पल है, इसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. आप कमेंट करना तो मैं सिर्फ एक जर्नलिंग कैसे करना है और मैनिफेस्टेशन के पॉइंट्स कैसे लिखने होते हैं वो बताऊंगी.
जो चीज मुझे हेल्प करी आई होप किसी और को भी हेल्प कर जाए। तो मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे कंप्लीट फुल टर्म प्रेगनेंसी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, 9 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो जब मेरा 9th मंथ पूरा दिन कंप्लीट हुआ तब उस दिन हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे, उस दिन डेट थी 18। तो उसके जस्ट थोड़ी देर पहले 1 सितंबर या 2 सितंबर को जन्माष्टमी थी, पर एक मंदिर है करुणाधाम आश्रम, वहाँ पर एज अ जज की तरह बुलाया गया था, बच्चों का प्रोग्राम होना था, वहाँ पर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था, पिक्चर लगा दूंगा मैं, तो वहाँ पर बढ़िया जज वज बन करके गई मैं। और उस दिन ना मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रहे थे, ट्यूजडे सैटरडे मैं सुंदरकांड अटेंड करने के लिए जाती थी वहीं करुणाधाम में, तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होते थे। तो डॉक्टर ने मुझे ये एडवाइस किया था कि 9th मंथ में आते आते आपके जो मूवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो जैसे मैं 1 सितंबर को गई थी ना, उस दिन मेरे मूवमेंट्स काफ़ी बढ़ गए थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं मंदिर आती हूँ और जो भी होता है इस वजह से मेरे मूवमेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं ऑल दैट। तो 18 को डॉक्टर के पास गए थे, मेरे 9th मंथ कंप्लीट हो गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि अपन लोग एक स्कैन कर लेते हैं, प्रॉपर लास्ट स्टेज स्कैन होता है, उन्होंने मेरा स्कैन किया और पता कर लेते हैं पोजीशन की कैसी क्या है। स्कैन कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो बेबी का वेट जितना बढ़ना चाहिए इन 15 डेज में उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है, तो इसके काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं अलग अलग। तो मैं थोड़ा सा डर, एकदम से सुनकर के मुझे थोड़ा सा डर लगा। तो उन्होंने बोला बाकी चीज़ें आपको गायनेक मैम बताएंगी। उनके पास गई तो उन्होंने हमको एक्सप्लेन करी चीज़ें, अंदर जगह नहीं मिल रही, मतलब बहुत सारी उन्होंने मेरे को बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़ बता दी थी कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। एंड नाउ मतलब आपका 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है तो अब हम लोग डिलीवरी प्लान कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि मेरे पेन्स नहीं आ रहे थे। तो एक मेथड होता है जिससे पेन्स आने की कोशिश करी जाती है, स्वीप मेथड बोलते हैं, तो आप गूगल कर लेना क्या होता है वो। तो उन्होंने स्वीपिंग करा और उन्होंने बोला कि रात तक हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या आपका लीकिंग स्टार्ट हो जाए एंड आपको पेन्स आ सकते हैं। अब क्या हुआ, और उन्होंने बोला कि आज आपके मूवमेंट्स भी बहुत, अब आपके मूवमेंट भी बहुत कम हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा फील हो कि आपको लग रहा हो कि अनईजी सा है तो तुरंत हॉस्पिटल आ जाना। मैंने बोला ठीक है। अब उसके बाद रात को क्या हुआ कि मेरे जो पेन्स है ना 18 को, वो पेन्स वेन्स तो मुझे नहीं आए, बट मेरे जो मूवमेंट्स है वो कम होने की बजाय और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। मतलब इट वॉज वेरी हार्श मूवमेंट्स, मतलब छट 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 ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हो रहे थे। तो मैंने विक्की को बताया, मैंने कहा यार मूवमेंट्स मेरे कम होने की बजाय और ज़्यादा वो हो रहे हैं। और नेक्स्ट डे था गणपति, गणेश चतुर्थी, नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हो रहे थे रात में, तो हम लोगों ने सोचा हम डॉक्टर को एक बार दिखा के आ जाते हैं कि क्या हो रहा है अंदर। ने मुझे बोल दिया था नेचुरली पेन्स नहीं आ रहे हैं तो हमको पेन इंड्यूस करना पड़ेगा, तो यू कैन चूज द डेट नेक्स्ट वीक की कोई सी भी। जैसे 19 थी तो हमने सोचा था 21, 22, 23 में हम प्लान करेंगे। तो अब क्या हुआ कि उस दिन हम नेक्स्ट डे गणेश चतुर्थी थी, तो हम लोगों ने क्या किया, गणपति जी की स्थापना करी। और मतलब मैं डॉक्टर के यहाँ जाती थी ना, अपना पूरा बैग लेके जाती हूँ जिसमें खाने का सामान, पानी की बॉटल, अपने मोबाइल, हेडफोन, सब कुछ लेके जाती थी उस दिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था अरे नहीं नहीं हमको तो सिर्फ डॉक्टर को दिखा के आना है, 10 मिनट में हम वापस आ जाएंगे। मैं लिटरली अपना मोबाइल फ़ोन तक नहीं लेकर के गई थी, और मैं गई आराम से बढ़िया वहाँ पर हॉस्पिटल में, और उस दिन कोई नहीं था, मतलब देयर वॉज नो रश, पूरा हॉस्पिटल खाली था। अदरवाइज हर एक दिन में 5-5, 6-6 डिलीवरीज प्लान होती हैं, और सम डेज तो मतलब जन्माष्टमी के दिन मेरी डॉक्टर ने 19 डिलीवरीज करी थी। सो हम लोग गए वहाँ पर और मैंने उनको बताया कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट्स हो रहे हैं। अब मुझे डॉक्टर ने 2-3 कॉम्प्लिकेशंस बताना स्टार्ट करे कि देयर मे बी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि आपके बच्चे का वेट अब नहीं बढ़ रहा है तो देयर मे बी हाई चांसेस कि उसको अंदर जगह नहीं मिल रही है मूवमेंट्स के, एंड ही और शी वॉन्ट्स टू कम आउट। अब मूवमेंट्स, इतने मूवमेंट्स होना इज नॉट ऑलवेज अ हैप्पी और गुड साइन। तो उन्होंने मुझे 2-3 कॉम्प्लिकेशंस बता दिए कि अगर उसको जगह नहीं मिल रही और वो छटपटाहट हो रही है तो वो उस छटपटाहट में अंदर पॉटी भी कर सकता है, एंड वो उस घबराहट में अपनी जो कॉर्ड है, एम्बिकल कॉर्ड है, वो भी फंसा सकता है। कि अब आप लोगों के ऊपर है, आप चाहो तो 2-3 दिन बाद आ जाओ, आगे कॉम्प्लिकेशन में आपको रात में भक्के आना पड़ेगा, चाहो तो अभी टाइम है, यू कैन डेफिनेटली आज आप इंड्यूस करवा सकते हो, डिले मत करो, मतलब इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए आगे। टीनू और सैम इतने में पीछे से उन लोगों ने हमको ज्वाइन कर लिया था, वो दोनों आ गए थे वहाँ पर। सैम के पापा से हम लोग हर चीज़ डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली वो फैमिली वाले हैं और गायने एक्सपीरियंस है उनको पूरा। तो उन्होंने हमको एडवाइस किया कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपकी गायनेक एडवाइस करें, बिकॉज वो सिनेरियो देख पा रहे हैं, उनको मान लेना। तो फाइनली फिर हम सब ने यही डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, एडमिट हो जाते हैं। तो मैं वहाँ पर एडमिट हो गई, जो पेन इंड्यूस करा दिया गया था। तीनू बैठी थी मेरे साथ अंदर लेबर रूम में और मैं थी। विद इन 2-2.5 और 3 आवर्स, मतलब मेरी जो पीरियड्स अभी तक मुझे आए, पीरियड हिस्ट्री रही, उसमें कभी मैंने क्रैम्प्स को इतना फेस नहीं किया है। तो जब मुझे वो क्रैम्प आना स्टार्ट हो रहे थे ना,
तो मुझे लगा कि बस अब थोड़ी देर में तो हो जाएगी डिलीवरी. तो मैं डॉक्टर को बताई थी कि मुझे क्रैम्प्स होना, पेन होना स्टार्ट हो गया है. तो डॉक्टर मुझे बोलती है ये इतना सा नहीं होता है, मतलब तुम पूरी हिल जाओगी, इतना खतरनाक वो क्रैम्प आता है. ऐसा क्रैम्प नहीं आया कि तुम आराम से बैठी हुई हो, तो लोअर बॉडी से वो स्टार्ट होता है पेन होना, पड़ने स्टार्ट हो गए. और जो दाई होती है ना, मतलब जो नर्स होती है, जो हेल्पर्स होती है, एक डेढ़ दो घंटे के बाद मुझे ऐसा हो गया था कि थोड़ी देर बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था पेन, तो मैं थोड़ा गिव अप कर रही थी. मतलब मुझे उन लोगों ने समझाया भी, वो थोड़ा सा और वेट कर लोगे, आपका वहां पे जो जगह है वो ओपन हो चुका है, हो जाएगा, आप हिम्मत मत हारो. बट भाई जब वो इंटरनल चेकअप करने के लिए आए, जस्ट पैनिक्ड. मैंने विक्की को मना कर दिया था कि मुझे आपको इंटरनल चेकअप नहीं कराना, वील गो फॉर सी सेक्शन. तो विक्की ने मुझे बोला कि एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं, जब चीजें इजीली हो रही हैं तो उसको हम गिव अप नहीं करते, ऐसे करके विक्की ने भी समझाया, टीनू ने भी मुझे समझाया कि मम्मियाँ तो थी नहीं हमारी, मम्मियों को तो ये पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें चल रही हैं. मम्मी को ये बताता है कि हम लोग सिर्फ अभी पेन इंड्यूस हो रहा है अभी तो सिर्फ, ठीक. वो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं ये लास्ट करा के देख रही हूँ इंटरनल चेकअप. अब क्या हुआ, बाहर ही ये लोग रूम में खड़े थे, और जब मेरा इंटरनल वो चेकअप हुआ और वो स्वीपिंग मेथड वगैरह, वो जब देखते हैं कि बच्चे का सर कहाँ पर आया है, वो उन्होंने किया, तो मैं इस तरीके से चीखी हूँ, मेरी हालत हो गई थी कि विक्की देख करके बाहर सुन करके डर गया था, टीनू और विक्की, और ये लोग वो जो सी सेक्शन वाला फॉर्म होता है, साइन करना होता है, वो लेकर के आ गए थे. वहां पर जो एक मैम थी, उन्होंने मुझे बोला अभी कि ये बच्ची रेडी नहीं है वजाइनल डिलीवरी के लिए, शी इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, शी इज जस्ट ब्रेन वॉश. मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, मैं सिर्फ ब्रेन वॉश थी कि वजाइनल डिलीवरी अच्छी होती है, वजाइनल अच्छी होती है. हम लोग घर पे यही सुनते हैं बड़ों से कि दीदी तुम वजाइनल ही कराना, तुम वजाइनल ही कराना. तो उस चक्कर में मैंने एक ये थॉट प्रोसेस बना लिया था कि हाँ हाँ चलो मैं वजाइनल डिलीवरी कराऊंगी, बट कहीं ना कहीं मैं अंदर बहुत डर रही थी. मैंने फिर टीनू और इन सबको बोला, मैंने कहा मुझे ना ऐसे मर करके डिलीवरी नहीं करानी है अपनी, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं कर पाऊंगी. और जब मैंने ऐसे बोला ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर ऑब्वियसली कोई और कुछ नहीं बोल पाया. तो कितनी देर में सी सेक्शन होगा, उन्होंने बोला एक घंटा लगेगा. तो टीनू को हमने भेजा कि दोनों मम्मियों को लेकर के आ जाए, और टीनू गई है, और विद इन 15 मिनट्स में तो आई थिंक आई जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी थ्रू सी सेक्शन. अंदर मुझे लेके गए, वो इंजेक्शंस वगैरह दिए एंड ऑल दैट, जो भी प्रोसेस होता है सी सेक्शन का. आई रिमेम्बर जब वो आपको वो देते हैं, मतलब मैं सारी चीज़ों के नाम भूल गई, जो इंजेक्शन दिया जाता है ना जिससे आप नम हो जाते हो, नींद नहीं पूरी होने का नतीजा ये है. आप मुझे नीचे कमेंट में लिख देना, समझ जाना, जिससे जिस इंजेक्शन के थ्रू आप पूरी आपका जो लोअर बॉडी नम हो जाता है, थोड़े क्या होता है यार बताऊँ, मैं नाम भूल चुकी हूँ. हाँ, तो वो मुझे जब दिया गया, तो आई वॉज फीलिंग एवरीथिंग. मेरे हाथ में हनुमान चालीसा थी, जो हनुमान चालीसा मेरे डे वन से प्रेगनेंसी में थी, वो हनुमान चालीसा को मैं प्रेगनेंट डिलीवरी के टाइम पे भी अंदर लेकर के गई थी. अलाउ नहीं करते मेरी जो हनुमान चालीसा ना, बहुत प्यारी सी, इतनी छोटी सी है, हर जगह फिट हो जाती है, वो जेब में आ जाती है, मेरे वॉलेट में आ जाती है, सब जगह आ जाती है. तो बड़ी क्यूट सी है, इतनी छोटी सी है, तो वो मैं लेकर के गई थी. अच्छा, अब मैं ना, मुझे याद है मैं उनसे कॉन्वर्सेशन कर रही थी कि आप ना, मतलब जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, पूरी काफ़ी बड़ी टीम थी, 13-14 लोग थे, मुझे इतना याद है. तो जब मैं थोड़ी उस अनकॉन्शियस उसमें होगी, तो मैं बात, वो लोग बातें करते रहते, बात कर रही थी. अब वो मैम मुझसे बोलती है हनुमान चालीसा पढ़ो, तो मैं कह रही हूँ मुझे हनुमान चालीसा याद है बट मैं भी भूल गई हूँ. और मैं उनको बोल रही हूँ मैं ना घर में सिंगल डॉटर हूँ, तो प्लीज़ मुझे कुछ होने मत देना, ऐसे सब बातें कर रही थी उन लोगों से इस तरीके की, मुझे याद है सारी बातें. फिर आई थिंक व्हेन आई डिलीवर्ड द बेबी, वो बेबी को आप स्किन टू स्किन टच करवाते हैं, और उसके बाद फिर क्या हुआ है मुझे कुछ याद नहीं है. विक्की का जो रिएक्शन था ना, मुझे सैम ने बताई ये चीज़, विक्की क्योंकि मेरे को देख चुका था कि मैं बहुत डर गई थी जब वो सब हो रहा था प्रोसेस ले जाने के लिए, तो विक्की को बताया कि जो भी जेंडर रिवील किया कि ये हुआ है, तो विक्की का रिएक्शन एकदम ब्लैंक था. सैम बता रहा था, विक्की बिल्कुल बस ऐसे पूछ रहा था कि वो तो ठीक है ना, रुचि तो ठीक है ना, डर गया था वो भी मतलब. एंड देन फिर बेबी जो फर्स्ट है वो विक्की ने पकड़ा, मतलब टीनू वॉज रिग्रेटिंग. टीनू बोली थी अरे शिट यार, मुझे सबसे पहले बच्चे को पकड़ना था, बट वो सैम और विक्की थे, उन दोनों ने ही हैंडल किया. फिर घर वाले आए, फिर मुझे अंदर लेकर के आया, ये मेरा प्रोसेस था. सो एक्चुअली मेरी जो डिलीवरी है वो 19th ऑफ सितंबर को हुई है थ्रू सी सेक्शन. सो बेसिकली देखो, मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि ना तो सी सेक्शन मैटर करता है, ना वजाइनल डिलीवरी मैटर करती है. आई नो वजाइनल डिलीवरी में भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और सी सेक्शन के भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. आप किस में कंफर्टेबल हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. आपको ध्यान फोकस जो है वो इस चीज़ में करना है, हेल्दी डिलीवरी होनी चाहिए. इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जेंडर रिवील होगा, साथ ही साथ मैं बच्चे से भी आपको मिलवा दूंगी. ओके गाइज, तो बस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं. आपको सारी डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी है. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं इतना धीरे धीरे स्लीप बोल रही हूँ बिकॉज माई बेबी इज स्लीपिंग हियर. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.